एक व्यक्ति 17 वर्ष की आयु से लगभग 500 दिनों में देश के लिए कितना कुछ कर सकता है, ये जानने के लिए करतार सिंह सराभा के जीवन पर एक नजर डालिए। वो 15 वर्ष लुधियाना के सराभा में गुजारने के बाद नौकरी के लिए अमेरिका गए। वहां लाला हरदयाल से मुलाकात में देश को आजाद करवाने के लिए जो लावा दिल में दबा पड़ा था वो फूट पड़ा और वो भारत को आजाद करवाने के मिशन में कूद पड़े। तब वो केवल 17 वर्ष के थे। उन्हीं दिनों प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया और प्रवासी भारतीय ये समझ गए कि इंग्लैंड की स्थिति कमजोर थी, इसलिए यही मौका था भारत को आजाद करवाने का। इसके लिए ये योजना बनाई गई कि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी भारतीय अधिक से अधिक हथियार लेकर भारत रवाना हो जाएं और वहां जाकर ब्रिटिश सरकार से सशस्त्र युद्ध कर भारत को आजाद करवाएं। करतार सिंह और दूसरे प्रवासी भारतीय भारी हथियारों की खेप के साथ एक जहाज में भारत के लिए रवाना हो गए, मगर अंग्रेज सरकार को इसकी खबर लग गई और जहाज के भारत पहुंचते ही अंग्रेज सरकार की पुलिस ने जहाज को घेर लिया। बहुत से क्रांतिकारी हथियारों समेत गिरफ्तार कर लिए गए। करतार सिंह अपने साथियों के साथ बच निकले और पंजाब पहुंच गए। करतार सिंह ने मिलिट्री बैरिक में जाकर सिपाहियों को समझाया, उन्हें अपने साथ मिला लिया। इसी दौरान करतार सिंह ने विद्यार्थियों में देश को आजाद करवाने की क्रांति में भाग लेने का आग्रह किया। फिरोजपुर छावनी में सैनिकों से देश की बात की, कलकत्ता जाकर हथियारों का इंतजाम किया, फिर कीमत चुकाने के लिए डाके डालना उनकी मजबूरी बन गई। रात दिन भारत भ्रमण किया, कानपुर, आगरा, अलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ आदि जगहों पर साथियों को विद्रोह के लिए तैयार किया। 21 फरवरी का दिन संपूर्ण भारत में एक साथ विद्रोह के लिए निश्चित किया गया, मगर कृपाल सिंह जो इनका साथी था उसने ये खबर अंग्रेजों को दे दी। उन बैरकों में जहां जहां करतार सिंह गए थे उन सभी सैनिकों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस करतार सिंह के पीछे लग गई। राज बिहारी करतार सिंह को काबुल जाने की सलाह देकर स्वयं जापान चले गए, मगर करतार सिंह काबुल को रवाना तो हुए मगर रास्ते में जब मन नहीं माना तो फिर वापस लौटने को मुड़ गए और तभी एक साथी के धोखे का शिकार हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। जेल में भी उन्होंने जेल तोड़कर कैदियों को रिहा करवाकर अपने साथ विद्रोह की योजना बनाई, मगर एक कैदी ने जेल अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी, जिसके कारण करतार सिंह को बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया। अब मुकदमा चलाया गया जो पहली लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से विख्यात हुआ। मुकदमे के दौरान करतार सिंह सराभा ने जज से कहा, आप मुझे ज्यादा से ज्यादा फांसी ही दे सकते हैं, मैं उससे नहीं डरता, और जज ने उन्हें फांसी दे दी। फांसी के तख्ते पर करतार सिंह सराभा ने जोर से कहा, भारत माता की जय। और ये सब कुछ हुआ केवल 500 दिनों में। सराभा को सदा कल्पना शक्ति, हिम्मत, अथक उद्यम, उच्च इच्छा शक्ति तथा दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा।